नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 जुलाई 2018 को यूपी के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि 2014 के बाद के दिनों में हमारे सामने कई चुनौतियां थी। पहले की सरकार ने काशी के विकास के लिए सहयोग भी नहीं किया, लेकिन जब से आपने भारी बहुमत से भाजपा की सरकार को समर्थन दिया तब से पूरे उत्तर प्रदेश में काशी के विकास की गति भी तेज हो गई है। साथियों, सदियों से बनारस यूं ही बना हुआ है, परंपराओं में रचा बसा हुआ है। इसकी पौराणिक पहचान को नई ऊंचाइयां देने, काशी को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के हिसाब से विकसित करने का प्रयास बीते 4 वर्षों से निरंतर जारी है। न्यू इंडिया के लिए एक नए बनारस का निर्माण हो रहा है, जिसकी आत्मा तो पुरातन ही होगी लेकिन काया नवीनतम बनेगी, जिसमें अध्यात्म भी होगा और आधुनिकता भी होगी, जहां के कण कण में संस्कृति और सही संस्कार होंगे लेकिन व्यवस्थाएं स्मार्ट सिस्टम से भरी होगी। बदलते हुए बनारस की ये तस्वीर अब चौतरफा दिखने लगी है। आज मीडिया में, सोशल मीडिया में पर काशी की सड़कें, चौराहों, चौपालों, गलियां, घाटों और तालाबों की तस्वीर जो भी देखता है उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। सिर के ऊपर लटकते बिजली के तार अब गायब हो गए हैं, सड़कें रोशनी से नहा रही है, रंग बिरंगी रोशनी के बीच फवारों का दृश्य मन छू लेने वाला होता है। साथियों, बीते 4 वर्षों के दौरान बनारस में दसियों हजार करोड़ का निवेश हो चुका है और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 2014 के बाद के दिनों में हमारे सामने कई चुनौतियां थी। पहले की सरकार से काशी के विकास के लिए बहुत सहयोग भी नहीं था, सहयोग छोड़िए रुकावटें थी, लेकिन जब से आपने भारी बहुमत से लखनऊ में भाजपा की सरकार को समर्थन दिया तब से पूरे उत्तर प्रदेश समेत काशी के विकास की गति भी तेज हो गई है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अभी अभी मैंने करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र और राज्य के ये 30 से अधिक प्रोजेक्ट यहां की सड़कों, ट्रांसपोर्ट, पानी की सप्लाई, सीवेज, रसोई गैस, स्वच्छता और इस शहर का सुंदरीकरण, इससे ये जुड़े हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS वेलनेस सेंटर की सुविधा से भी यहां के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। भाइयों और बहनों, बनारस में जो भी बदलाव आ रहा है उसका लाभ आसपास के गांवों को मिल रहा है। इन गांवों में पीने के पानी से जुड़ी अनेक योजनाओं का भी आज यहां लोकार्पण किया गया है। यहां जो किसान भाई बहन जुटे हैं, मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूं। इस सभा स्थल पर के पास ही पेरिशेबल कार्गो केंद्र है,
जो अब बन करके तैयार है। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उसका शिलान्यास करने का मौका मिला था और आज लोकार्पण करने का भी मौका मिल गया। साथियों, एक कार्गो सेंटर यहां के किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आलू, मटर, टमाटर जैसी सभी सब्जियों जो बहुत कम समय में ही खराब हो जाती थी, उनके भंडारण की उचित व्यवस्था यहां तैयार की गई है। अब आपको फल सब्जियों के सड़ने गलने से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर नहीं है, इससे अब सब्जियों और फलों को दूसरे शहरों में भेजने में भी आपको और आसानी होगी। भाई और बहनों, ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवहन से परिवर्तन, ये रास्ते पर ये सरकार तेज गति से आगे बढ़ रही है। विशेष तौर पर देश के इस पूर्वी हिस्से पर हमारा सबसे अधिक फोकस है। थोड़ी देर पहले आजमगढ़ में हुआ देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी इसी विजन का हिस्सा है। साथियों, काशी नगरी हमेशा से मोक्षदायिनी रही है और जीवन की तलाश में यहां आने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ये जीवन में आने वाले संकटों को मेडिकल साइंस के माध्यम से कम करने का केंद्र भी बनती जा रही है। आपके सहयोग से बनारस पूर्वी भारत के एक हेल्थ हब के रूप में उभरने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना हमारा BHU आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी पहचाने जाने लगा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी हाल ही में BHU ने एम्स के साथ एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए समझौता किया है। इस पर कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही इसके परिणाम आपको दिखने लगेंगे। ऐसे में बनारस में रहने वालों के साथ ही यहां आने जाने वाले वालों के लिए भी कनेक्टिविटी बहुत अहम है। इसलिए रोड हो या रेल, अनेक नई सुविधाएं आज काशी को मिल रही है। इसी दिशा में यहां कैंट रेलवे स्टेशन को नया रंग रूप देने का काम चल रहा है। वाराणसी को इलाहाबाद और छपरा से जोड़ने वाले ट्रैक की डबलिंग का काम तेज गति से चल रहा है। वाराणसी से लेकर बलिया तक विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है और आज से इस सेक्शन पर मेमू ट्रेन भी चल पड़ी है। अभी मैंने हरी झंडी दिखा करके उस ट्रेन को विदा किया है। अब सुबह इस ट्रेन से बलिया और गाजीपुर के लोग यहां आ पाएंगे और फिर अपना काम करके शाम को इसी ट्रेन से वापस भी लौट पाएंगे। अब लंबी दूरी की ट्रेनों की भीड़भाड़ से यहां के लोगों को राहत मिलने वाली है। साथियों, यहां काशी में भक्तों को, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का प्रयास भी जारी है। देश और दुनिया से बाबा भोले के जो भक्त यहां काशी आते हैं, उनको आने जाने में असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पंचकोशी मार्ग के चौड़ीकरण का काम भी आज से आरंभ हो चुका है। इसके साथ साथ आस्था
और सांस्कृतिक महत्व के जितने भी स्थान काशी में है उनको जोड़ने वाली 2 दर्जन सड़कों को या तो सुधारा गया है या फिर नए सिरे से निर्माण किया गया है। इन सड़कों का भी थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया गया है। भाई और बहनों, काशी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुखता से उभर रहा है। आज यहां इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का शिलान्यास किया गया है। 2 साल पहले जापान के प्रधानमंत्री और मेरे परम मित्र श्रीमान शिंजो आबे जी जब मेरे साथ काशी आए थे तब उन्होंने ये उपहार भारत को काशी वासियों को दिया था। अगले 1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है। आप सभी काशी वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं इस उपहार के लिए जापान के प्रधानमंत्री श्रीमान शिंजो आबे जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि काशी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में पर्यटन को योगी जी और उनकी टीम बढ़ावा दे रही है। इसके लिए स्वच्छता और धरोहरों के सुंदरीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को जिस तरह आप सभी ने, यूपी की जनता ने आगे बढ़ाया है, ये प्रशंसनीय है। स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ भारत के लिए आपका ये योगदान प्रशंसनीय है। साथियों, काशी की महानता, उसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए आप जो कर रहे हैं वह अतुलनीय है। लेकिन हमें 4 वर्ष से पहले का वो समय भी नहीं भूलना चाहिए जब वाराणसी की व्यवस्थाएं संकट में थी। हर तरफ कचरा, गंदगी, खस्ता हाल पार्क, खराब सड़कें, ओवरफ्लो होता सीवर, खंभों से लटकते बिजली के तार, जाम से परेशान पूरा शहर, बाबतपुरा एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली उस सड़क को आप भूल नहीं होंगे जिस पर आप निर्भर रहते थे। न जाने कितने लोगों को परेशानी हुई होगी, कितनों की फ्लाइट छुटी होगी। हालत ये थी कि परेशानी से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट के बजाय कैंट रेलवे स्टेशन का रुख करते थे। गंगा जी का, घाटों का क्या हाल था वो भी किसी से छिपा नहीं था। किस प्रकार पूरे शहर और गांव की गंदगी, कूड़ा, कचरा सब गंगा जी में प्रवाहित हो रहा था और पहले की सरकार की सारी व्यवस्थाएं इससे बेपरवाह थी। गंगा जी के नाम पर कितना पैसा पानी में बह गया इसका कोई हिसाब नहीं। एक तरफ गंगा जी के प्रवाह पर संकट था, गंगा जल की शुद्धता पर संकट था, वहीं दूसरी तरफ लोगों की तिजोरियां लबालब भरी रहती थी। ऐसी स्थिति में गंगा जी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया गया।